हेलो यारो, कैसे हो? आज हम एसीपी फाउंडेशन का सबसे डरावना, सबसे भयंकर और सबसे ज्यादा जानलेवा एसीपी के बारे में जानेंगे, और वो है SCP-999। I'm joking! अब तक हमारे चैनल में हमने सबसे डेंजरस SCPs के बारे में जाना है, जैसे कि SCP-096, SCP-049, SCP-682 और SCP-173। पर SCP-999 बिल्कुल भी डरावना या जानलेवा नहीं है, वो तो बहुत क्यूट, प्यारी, नर्म दिल, अच्छी है। वो हुस्न परी, वो जाने जहां, वो सबसे हसी, वो सबसे जवा। SCP-999 सबसे अलग है, जैसे कि दुनिया के हर चूतिये को लगता है कि उसकी वाली अलग है। SCP-999 को देख के ना मुझे ब्लॉब फिश की याद आती है, बट SCP-999 क्यूट है और ब्लॉब फिश अगली। I don't mean really ugly, just ugly. SCP-999 एक मॉन्स्टर होकर भी वो एक मॉन्स्टर नहीं है। उसकी खासियत ये है कि वो किसी के भी मूड को ठीक कर सकता है और उसको इंसानों से बेहद लगाव है। उसके पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी को भी खुश कर सकता है। अगर आप SCP-999 के पास से भी गुजरते हो तो भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। SCP-999 डिप्रेशन को क्योर करने की ताकत रखता है, और तो और उसे दुखी या परेशान लोगों के पास जाकर उन्हें खुश करना बहुत पसंद है। SCP-999 ने कई बार खूंखार SCPs को शांत कर SCP फाउंडेशन की मदद की है। इनफैक्ट एक बार उसने एक स्टाफ को बचाने के लिए अपने अंदर बुलेट ले लिया, खुद की जान को रिस्क में डाल के। खुशकिस्मती से SCP-999 को कुछ भी नहीं हुआ। चलिए थोड़ा SCP-999 के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। दिखने में SCP-999 एक ऑरेंज जेली के जैसा लगता है। यह अपना शेप और साइज बदल सकता है और इसका वजन 54 kgs है। SCP-999 का नेचर काफी खुश और प्लेफुल है, और उसका आवाज किसी चिड़िया जैसा है। क्या आप इसका आवाज सुनना चाहोगे? अरे हटो यार, सुनने का मन हो या ना हो हम तो सुनाएंगे ही। नहीं नहीं नहीं, हमको सुनाना है, मतलब सुनाना है, हम सुना के ही रहेंगे, हम कुछ भी कर लो, हम सुनाएंगे 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 सुनाएंगे। SCP-999 को छूते ही किसी भी इंसान को अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा, मतलब और वो इंसान यूफोरिक स्टेट में चला जाता है। यूफोरिया का मतलब है उत्साह। जब आपके क्रश के सामने से टेक्स्ट आए तो उस समय जो आप फील करोगे उसे कहते हैं यूफोरिया। यार मेरी क्रश ने तो आज तक रिप्लाई ही नहीं किया, साले कुत्तों की जिंदगी। SCP-999 अपने बॉडी से बहुत ही प्लेजेंट ऑर्डर प्रोड्यूस करता है, जो कि चॉकलेट, बेकन, गुलाब, फ्रेश लॉन्ड्री और प्ले डॉग के जैसा स्मेल करता है। कुणाल, SCP-999 सिर्फ स्वीट्स और कैंडीज ही खाता है, और उसका फेवरेट है नेको वेफर्स। अरे इतना मीठा मत खाओ, कसम से बता रहा हूँ डायबिटीज हो जाएगा। तेरे बाप का क्या, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। SCP-999 एक अच्छाई है जो मगर अंधेरे से आई है। जी हाँ, SCP-231-7 के बिना SCP-999 का भी एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो आखिर क्या है ये SCP-231? SCP-231 सात लड़कियों का एक ग्रुप था जो कि प्रेग्नेंट थे स्कारलेट किंग द्वारा। ये एक रिचुअल था जिसे द चिल्ड्रन ऑफ द स्कारलेट किंग का नाम दिया गया। छह लड़कियों ने काफी हॉरिफिक मॉन्स्टर्स को जन्म दिया, जिनमें से एक शायद से SCP-682 था। मगर सातवां मॉन्स्टर बिल्कुल भी डेडली या टेरिफाइंग नहीं था, क्योंकि वो था SCP-999। SCP-999 ने उस लड़की को हील किया जिसने उसे जन्म दिया और उसे अपने पेरेंट्स के पास वापस से एक नॉर्मल लाइफ बिताने के लिए अलाउ भी किया, और अब वो बीते हुए कल से आगे बढ़ के एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी रही है। एक बार फाउंडेशन के रिसर्चर्स ने SCP-999 को SCP-682 के सेल में भेज दिया, और ये उन्होंने ऐसे ही मजे के लिए किया। उनका इंटेंशन शायद कुछ ऐसा था। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। सबको लगा कि ये SCP-999 का आखिरी वक्त है, क्योंकि वो जिसको फेस करने वाला था वो मॉन्स्टर कोई एरा गेरा मॉन्स्टर नहीं था। ये मंजर देखने लायक था, क्योंकि आखिर दो सिबलिंग्स ही, एक अच्छाई और एक बुराई, एक दूसरे से टकराने वाले थे। पहले तो SCP-682 ने SCP-999 को अपने नीचे कुचल दिया। फिर अचानक से वो थोड़ा अलग, थोड़ा अजीब बिहेव करने लगा। SCP-682 स्माइल करने लगा। SCP-682 ने कहा, What is this? I feel good. SCP-999 उसके ऊपर चढ़ गया और तेजी से गुदगुदी करने लगा, जिससे SCP-682 को बहुत खुशी महसूस होने लगा और वो जोर जोर से हंसने लगा। SCP-999 को इसीलिए द टिकल मॉन्स्टर कहा जाता है, क्योंकि वो गुदगुदी करने में माहिर है। SCP-682 को SCP-999 ने तब तक टिकल किया जब तक वो खुद थक के सो ना जाए, और फाइनली SCP-682 हंस हंस के थक गया और नीचे लेट गया। स्टाफ्स ने सही मौका देख के SCP-999 को सेल से बाहर निकाल दिया। SCP-682 को इतनी यूनिक तरह से हरा के SCP-999 ने ये प्रूव किया कि प्यार और अच्छाई से वो और हम बुराई का अंत कर सकते हैं, बुराई को हरा सकते हैं। एससीपी फाउंडेशन के कई मेंबर्स ऐसा मानते हैं कि आगे चल के जब SCP-999 बड़ा और मैच्योर होगा, तो ना ही वो अपने सिबलिंग्स को हराएगा, बल्कि स्कारलेट किंग को भी ओवरथ्रो करेगा। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी मालूम पड़ता है, क्योंकि अगर एक छोटा सा ऑरेंज जेली फाउंडेशन का इतना पावरफुल और डेंजरस SCP को अपने कंट्रोल में ला सकता है, तो पॉसिबिलिटी बहुत है कि कुछ सालों बाद वो स्कारलेट किंग को भी अपने प्यार से हरा कर गद्दी पर बैठ सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो बुराई का नष्ट कर स्कारलेट किंग का पोजीशन ले ले। वैसे एक बात पूछूं, आपको क्या लगता है आखिर में जाके मिर्जापुर की गद्दी पे कौन बैठेगा? मुन्ना भैया तो ऑफ हो गए, तो आपको क्या लगता है, गुड्डू भैया या कालिन भैया या शरद या फिर ये लौड़ा बच्चा? एनीवे, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और यार 100K सब्सक्राइबर कर दो यार, कर दो जल्दी कर दो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दो, मजा आ जाएगा।